Hello everyone, so today in this video we are going to do the treatment for the gout. Okay, we are gonna do the treatment for the acute gout and the chronic gout. Okay, so first of all, what's gonna happen, I'll tell you mnemonic as well. Okay, so first of all, for the treatment of the acute gout, we are gonna use NSAID, colchicine and steroids. Okay, so in NSAIDs you need to remember, like, aapko karna kya hai. आपको याद रखना है, एक बंदा था, उसका एक लड़की थी, उसका नाम था इंदू नाम था, ठीक है. वो गई है डॉक्टर के पास, ठीक है. डॉक्टर नाम था कॉल्शी, ठीक है. डॉक्टर ने उसको लगाया स्टीरॉइड, ठीक है. इंदू लड़की का नाम था, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर का नाम था कॉल्शी, वो कॉल्शी ने उसको स्टीरॉइड लगाया, ठीक है. तो इंदू से हमारे पास इंदोमेथासिन हो जाएगा, मतलब एनसेड्स ना, तो एनसेड्स में हमारे पास जो आएंगे इंदोमेथासिन आ जाएगा, नेप्रोक्सिन वगैरह आ जाएगा, डिक्लोफेनाक वगैरह, टॉक्रिकॉक्सिब वगैरह, दो तीन याद रखें काफ़ी है, ठीक है. ये कॉल्सिजिन तो मैंने कर दिया ना, ये कॉल्शी डॉक्टर का नाम था ना, और डॉक्टर ने उसको स्टीरॉइड लगाया, प्रेडनिसोलोन और मेथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है. अच्छा, फिर क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए तीन चीज़ें होती हैं, या तो हम लोग सिंथेसिस कम कर लेंगे, एक्सक्रीशन ज़्यादा कर लेंगे, या तो हम लोग सिक्रीशन मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है. सिंथेसिस कम करने के लिए हम लोग दो चीज़ें देते हैं, या तो हम प्यूरिन देते हैं या तो हम नॉन प्यूरिन देते हैं, ठीक है. प्यूरिन में हम देते हैं एल प्यूरिनोल, और नॉन प्यूरिन में हम लोग देते हैं फेबोक्सोस्टैट. फेबोक्सोस्टैट क्या होता है, फेब्रेरी नो स्टैट, फेब्जोस्टैट, ठीक है. अच्छा, अब एक्सक्रीशन के लिए हम लोग जो है ना दो ड्रग्स देते हैं, एक सल्फीपाइरेज़ोन है, एक प्रोबेनेसिड है, ठीक है. सल्फीपाइरेज़ोन को कैसे याद रखना है, हम लोगों ने साफ साफ चीज़ों को साफ कर लेना है, तो साफ प्यारी चीज़ों को साफ करना है तो सल्फीपाइरेज़ोन, ठीक है. प्यारी चीज़ों को साफ कर लेना है, ठीक है. फिर इसके बाद जो गंदी चीज़ें थी ना, जो बुरी चीज़ें थी, उनको हमने प्रोब करना है, तो प्रोबेनेसिड, ठीक है. मेटाबॉलिज्म अगर हम लोगों ने ज़्यादा करना है ना, यूरिक एसिड का ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देते हैं रेस्पुरिकेस और पेग्लोटिकेस, ठीक है. अब इसमें क्या है कि रस जो होता है ना किसी भी फ्रूट का, वो बुरा है, मतलब बुरी केस है, वो अच्छा नहीं है, रस अच्छी चीज़ नहीं होती. लेकिन अगर आप पेग ले रहे हो, पेग मतलब कि वो वाइन वगैरह ना, तो उसमें आप, इट्स अ गुड, ठीक है. तो पेग लोटी केस और रस बुरी केस. दोबारा ये गाउट क्रोनिक वाले दोबारा कर देता हूँ. सिंथेसिस को कम करने के लिए हम लोग प्यूरिन देते हैं, नॉन प्यूरिन देते हैं, प्यूरिन में एल प्यूरिनोल और नॉन प्यूरिन में फेबोक्सोस्टैट, ठीक है. एक्सट्रीशन अगर हम लोगों ने ज़्यादा करनी है ना, तो हम लोग सल्फीपाइरेज़ोन दे देंगे, और इसके अलावा हम लोग प्रोमेनेसिड दे देंगे, और मेटाबॉलिज्म के लिए हम रेस्पिरोकेस दे देंगे और पेग्लोटिकेस दे देंगे. दैट्स इट, थैंक यू.